हो सकता है कि प्राइसेस को एक बार सपोर्ट मिल सकता है। जी हाँ, चाइना की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि वहाँ पर स्टिमुलस की एक्सपेक्टेशंस हैं और दूसरा डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, वो दोनों ही सपोर्टिव फैक्टर्स फिलहाल बाजार में। लेकिन मूव ऑन करेंगे और बात यहाँ पर चीनी की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक रिआइटरेशन आया है इंडस्ट्री की तरफ से कि 6 मिलियन टन का तो सरकार ने यहाँ पर अलाउ किया ही है, लेकिन जनवरी फरवरी में एक फुल पॉसिबिलिटी है कि 2 से 3 मिलियन टन का एक्सपोर्ट यहाँ पर फिर से जारी किया जा सकता है। और चीनी के सेक्टर के लिए दूसरी बड़ी खबर ये भी है कि बाजार या इंडस्ट्री का मानना है कि वेडिंग सीजन के चलते और क्योंकि रिकॉर्ड शादियां इस बार हो रही हैं, तो जो चीनी की डिमांड है वो 10% ज्यादा रह सकती है इस क्वार्टर में एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल विटलानी अब हमारे साथ हैं। प्रफुल जी, दोनों ही पॉजिटिव खबरें हैं चीनी के सेक्टर के लिए, और आज फिर से हमने भावों में और सेक्टर में स्टॉक्स में उछाल आता हुआ देखा है। ये काफी पॉजिटिव है, जैसे कि हमने कहा था कि ये गवर्नमेंट ने जो ऑप्ट किया है सबके व्यूज लेके कि 2 ट्रंच के अंदर अलाउ करने का, तो ये रीजन तो यही हो सकता है गवर्नमेंट की सोच में कि लास्ट ईयर 31 मिलियन टन का प्रोडक्शन नवंबर महीने में बोल रहे थे और 36 का हुआ था, तो एरर हुआ 15% की। अगर हम सिर्फ एरर 5% की भी सोचे, जो आज के सबके नंबर एक ही है कि 36 मिलियन टन का होगा, तो रेंज होती है 342 से 372 की। तो ये गवर्नमेंट हमें तो गवर्नमेंट का ही लग रहा है कि जो गवर्नमेंट यही सोच रही है कि एक बार प्रोडक्शन नंबर जो जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में कंफर्म होते हैं, उसके बाद सेकंड ट्रंच भी दिया जाए, तो ये डेफिनेटली अच्छा रहेगा। अगर 37.2 होता है तो 3 मिलियन टन आ जावे, यानी गवर्नमेंट को, हमारा एसोसिएशन का स्टैंड यही रहता है कि 6 मिलियन टन क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। अब कैसा है कि 2023 में अक्टूबर में अगर 6 मिलियन टन तो काफी मैंडेटरी है कि रहना चाहिए, क्योंकि 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन है जी। तो ये चीजें काफी अहमियत रखती है, और हाँ, अगर ये प्रोडक्शन 36 के ऊपर हो रहा है तो सेकंड ट्रंच जरूर आएगा। इवन 36 में भी 1 या 1.5 मिलियन टन का स्कोप है, पर जैसे कि फर्स्ट ट्रंच 6 मिलियन टन का दे चुके हैं जी। तो सेकंड ट्रंच जो है दिसंबर एंड या जनवरी में आएगा, सब्जेक्ट टू व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक गवर्नमेंट फाउंड ऑन 1 अक्टूबर 2022 एंड व्हाट इज द प्रोडक्शन लाइकली टू बी। जो सेकंड चीज आपने बताई है कि ये शादियों की वजह से, हाँ, 2 साल कोविड के वजह से काफी सेलिब्रेशंस रुका हुआ था और ये बार करीबन 35 लाख प्लस मैरिजेस हो रहे हैं, तो उसका कंजप्शन तो बढ़ना ही है। तो वेदर इट इज 10% और 5% इज अ डिफरेंट थिंग, बट यस, ये 27.4-27.5 का जो कंजप्शन हम देख रहे थे 21-22 में, हमारा अनुमान है कि 28 मिलियन टन का कंजप्शन रहेगा 2022-23 में। ओवरऑल बास्केट जो है 0.5 मिलियन टन से ये साल में रहेगी ज्यादा। ओके, तो यानी 36 मिलियन टन प्लस प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है, नंबर्स जनवरी में हमारे सामने होंगे, और जो कंजम्पशन है वो 27.5 मिलियन टन से बढ़कर 28 मिलियन टन के आसपास रह सकता है। अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अब सेकेंड ट्रांच की तो बात सामने आएगी, लेकिन क्या कुछ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कितनी वैल्यू के जो अब तक मिल्स ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, उस फ्रंट पे क्या स्टेटस है प्रफुल जी? ये करीबन 4.4 से लेके 4.3 के करीबन कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि महाराष्ट्र की कुछ मिलों ने डिफॉल्ट किया है, रीनिगोशिएशन किया है। कल भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुलाकात की थी और हमने अपना कंसर्न दिया है कि 2018 में एक इंडिया से बिजनेस कम करना चाहिए, एक गुडविल ऐसी बनी थी वर्ल्ड में, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री और सभी एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव ने हर एक कंट्रीज में जाके, कंज्यूमर कंट्रीज में जाके इंडियन शुगर की एक गुडविल बढ़ा के ये इतना अच्छा हो गया कि 112 लाख टन का एक्सपोर्ट एवर हाईएस्ट लास्ट ईयर हो गया। ये छोटे डिफॉल्ट जो रहते हैं, ये डिफॉल्ट पूरी इमेज इंडिया ने जो कमाई है उसको डैमेज करती है, और ये काफी डेंजर है और हम उसकी निंदा करते हैं, और ये इस चीज को कहीं तो भी सुधार होना चाहिए और कोई तो भी मैकेनिज्म बननी चाहिए, जो इंटरनल इंडिया का मामला है, इंटरनेशनल के साथ कुछ नहीं है।
मुझे एक फाइनल सवाल फिर यहाँ पर किस तरह के प्राइसेस हम बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि एक बात जो हम लगातार यहाँ पर कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स की, 7 महीने के हाईस पे अंतर्राष्ट्रीय शुगर प्राइसेस जरूर गए थे लेकिन वहां से हल्की सी मुनाफा वसूली भी है, जिस तरह की प्राइस वॉलेटिलिटी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है, जिस तरह का एक्सपोर्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, इंडस्ट्री की क्या सोच है? देखिए ये सप्लाई गल्ट है, ऐसा है कि दो प्राइस मैं आपको बोलता हूँ कि आज 33 रुपीज एक्स मिल में महाराष्ट्र में चीनी नहीं बिक रही है डोमेस्टिक के लिए, और एक्सपोर्ट के लिए 38.50-39.50 तक जैसी क्वालिटी वैसे बायर्स है। तो ये चीज कैसे है कि इंडिया में चीनी है डोमेस्टिक की चिंता नहीं है, पर इंटरनेशनल में जो हमारे नेबर कंट्रीज है, पर्टिकुलरली एशियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, उनको फिजिकल शुगर इमीडिएटली चाहिए, तो वहां पे शॉर्टेज है सप्लाई की और फिजिकल शुगर की शॉर्टेज होने की वजह से। दूसरी बात यह है कि ब्राजील में भी ओपनिंग स्टॉक जो न्यू सीजन चालू होगी अप्रैल महीने में, तो लास्ट ईयर से काफी डाउन रहेगा, तो वर्ल्ड इज गोइंग अंडर फिजिकल शुगर शॉर्टेज, तो ये एक्सपोर्ट के प्राइस कहीं पे भी प्लस माइनस हो सकते हैं। और जैसे भी ऐसे देखे कि डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक तो यहाँ पे रिलीज मैकेनिज्म और एमएसपी से की गई है, पर गवर्नमेंट को ऐसा है कि 2 साल से जो कर रही है पर्टिकुलरली कि एफआरपी बढ़ाती जा रही है, एमएसपी नहीं बढ़ाती है, तो गवर्नमेंट शुड नाउ थिंक सीरियसली आइदर जो इंडिया का एक कल्चर चल रहा था 3-4 यू नो डिकेड के लिए कि साइक्लिकल कमोडिटी से, अभी ये साइक्लिकल कमोडिटी से बाहर निकल चुकी है, अगर फिनिश प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल के प्राइस को अगर मैच नहीं कर सकती है तो डेफिनेटली कहीं हम लोग साइक्लिकल तो मोड पे नहीं जा रहे ना, तो ये भी देखना पड़ेगा। तो ये जो एफआरपी है उसके सामने एमएसपी भी बढ़ानी चाहिए। ओके, व्यूज अपने देने के लिए, तो प्रोडक्शन नंबर्स क्या एक्सपोर्ट यहाँ बढ़ते हुए देख रहे हैं, प्राइसेस का क्या ट्रेंड रहेगा, सही मुद्दों पर राय देते हुए बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।